सात दिन का सफ़र अत्यंत लाभदायक रहा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस और अलग अलग व्यक्तियों ने लगातार मेरे से संपर्क किया और हालात के बारे में जानकारी दी। सब ने एक स्वर में कहा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम नहीं कर रहा है। 2017 से चुनाव न होना चिंता का विषय है। ग्रास रूट की डेमोक्रेसी है वो कई वर्षों से समाप्त हो गई है। सभी ने एक स्वर में कहा, GTA इज डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी। हजारों करोड़ रुपए पहुंचने के पश्चात भी विकास कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सालों तक GTA का ऑडिट न होना अच्छी बात नहीं है। कानून में इसका प्रावधान है। उन सब की बातों का संज्ञान लेते हुए मैं GTA का ऑडिट CAG से कराऊंगा। बहुत इफेक्टिव ऑडिट होगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी एकदम हो जाए। करप्शन को, भ्रष्टाचार को ओवरलुक नहीं किया जा सकता है और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से दंडित होंगे। GTA का जो मूल उद्देश्य था कि लोग अपने मत के माध्यम से एक व्यवस्था कायम करें, 2017 के पश्चात ऐसा न होना अच्छी बात नहीं है। बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, इस इलाके की समस्याओं के बारे में बताया है। मेरे स्तर पर प्रथम सेवक के नाते जो कुछ संभव होगा निश्चित रूप से किया जाएगा।